हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलो फल्ला की मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम अंकलेश्वर। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। यस फ्रेंड्स, हम आज के इस ट्यूटोरियल में ग्लासी लुक विद कलरफुल आईज सीखने वाले हैं, लेकिन एकदम इजी वे में। और हाँ, ये नहीं है कि आपको यही कलर्स यूज करने हैं, आपके और आपके क्लाइंट के चॉइस के कोई भी कलर्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर मेरे प्रोफाइल में उसे देख लीजिए। और लेट्स स्टार्ट। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद क्लींजिंग, और क्लींजिंग के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, अगेन इट्स द सेम K2P का स्लेट वाइप्स है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। क्लींजिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेशन देती है, हाइड्रेशन देते हुए क्लीन करती है। आई एम यूजिंग V3L टोनर। टोनर का एप्लीकेशन जो है वो इस वे में होना चाहिए। सो नाउ आई एम अप्लाइंग वाटर बेस मॉइस्चराइजर। आई एम यूजिंग वाटर बेस मॉइस्चराइजर हियर। आप देख रहे हो हमने मॉइस्चराइजर को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इसे स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है, ठीक है। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। इसे थोड़ा सा फैन ड्राई कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई नॉर्मल मॉइस्चराइजर, दैट इज अगेन फ्रॉम V3L। अब जितना पोर्शंस में काम करोगे ना, उतना आपका काम अच्छा होगा। वंस अगेन आइस पर नहीं भूलना है। यू कैन सी अ ग्लो ऑन हर फेस। आप देख रहे हैं उनके फेस पर कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है। नाउ आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी लूना, और मैंने हल्का सा थोड़ा सा लिया है, ज्यादा नहीं लिया है। द शेड इज लूना। यू कैन यूज एज अ प्राइमर। यू कैन अप्लाई ऑन फुल फेस आइदर, तो फिर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड एरियाज जो है वहां पर भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। यू कैन अप्लाई एज पर योर चॉइस। आई एम यूजिंग कंसीलर। मैं इसे थोड़ा सा ही ले रही हूँ, ठीक है। इसे मैं ज्यादा लूंगी बिकॉज मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा नहीं है। नाउ आई एम यूजिंग फाउंडेशन, और फाउंडेशन जो मैंने यूज किया वो है नार्स एंड द शेड इज पंजाब। अगर आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा जा रहा है, समझो कि आप एक फेस के ऊपर 3 पॉम्प चले गए, उसका मतलब यू आर रॉन्ग। फिर आपको ये ढूंढना है कि आप कहां पर रॉन्ग हो, देन यू हैव टू वर्क आउट ऑन दैट। आई एम यूजिंग कंसीलर्स फ्रॉम ब्रूना तवारस, लिक्विड कंसीलर्स फ्रॉम ब्रूना तवारस। बोथ द शेड्स आर डिफरेंट, दोनों शेड्स मेरा डिफरेंट है। मैं ऑलवेज पहले जो लोअर में जो शेड अप्लाई करती हूँ वो शेड मेरा हल्का सा डार्क होता है, ठीक है। वो डार्क थोड़ा सा इसलिए लेती हूँ मैं, वो मेरे फाउंडेशन के साथ भी थोड़ा सा मैच हो जाए, ठीक है, वहां से ज्यादा व्हाइट ना दिखे। पहले मैं जो डार्क शेड है उसे ब्लेंड करूंगी, उसके बाद में जो लाइट शेड है बाद में उसे ब्लेंड करूंगी। और थोड़ा सा जो चीक बोन है हमारा उससे थोड़ा सा हमें नीचे लेकर आना है, ताकि हमारे फाउंडेशन और हाइलाइटर के बीच में बहुत डिफरेंस ना लगे, वो अच्छे से फाउंडेशन के साथ में मर्ज हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का स्टेप यहाँ तक रहेगा। आशा रखती हूँ आप सबको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट स्टेप आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इतना ही नहीं, हमारे साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को सेव करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।